यूपी नगर निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान शुरू, बीजेपी एसपी में सीधी टक्कर। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू मतदान का समापन शाम 6 बजे होगा। दूसरे चरण में 1,92,00,000 मतदाता हैं। इस चरण में 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 7 नगर निगम के पार्षद के 581 पद के लिए 3,840 उम्मीदवारों में जोर आजमाइश हो रही है। 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 969 और नगर पालिका परिषदों के 2,520 सदस्यों के लिए 13,315 उम्मीदवार मैदान में है। नगर पंचायतों के 267 अध्यक्ष पदों के लिए 2,942 उम्मीदवार, जबकि नगर पंचायतों के 3,459 सदस्यों के पद के लिए 17,997 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। नगर निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण के 9 राजस्व मंडल तथा 38 जनपदों, जिसमें 3 पुलिस कमिश्नरेट शामिल हैं, के 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद तथा 268 नगर पंचायत के पदों पर मतदान कल संपन्न होगा। उप मतदान हेतु 6,380 मतदान केंद्र तथा 19,584 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चिन्हित समस्त अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यकता अनुसार वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। नगर निकाय निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण को के मतदान को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 1,00,000 सिविल पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त 76 कंपनी 2 प्लाटून पीएसी तथा 35 कंपनी सीएपीएफ तथा 7,935 परीक्षणाधीन उप निरीक्षकों को लगाया गया है। नगर निकाय निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु समस्त जनपदों में अभियान चलाकर 17,649 NBW, 7,225 वांछित अभियुक्तों तथा 4,000 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर यूपी के नगर निकाय चुनाव को देखें तो इसे 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में जिसकी जीत होगी उसे लोकसभा चुनाव में माइलेज मिल सकता है। यही कारण रहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली और मतदाताओं के बीच जाकर वोट मांगा। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मतदाताओं के बीच जाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कई बयान दिए। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी पार्टी के शानदार प्रदर्शन का दावा किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता भी जीत के दावे ठोकते दिख रहे हैं। इन सब के बीच यूपी के नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। नतीजों का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।